जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आबकारी विभाग की कार्रवाई, टैक्स चोरी पर रेस्तरा संचालक को 18 लाख रुपए का जुर्माना। हिमाचल प्रदेश राज्य व आबकारी विभाग के फ्लाइंग स्क्वाड की हमीरपुर और बिलासपुर जिले में ताबड़तोड़ कार्रवाई से मुनाफाखोरों में हड़कंप मच गया। विभागीय टीम ने हमीरपुर जिले के एक प्रमुख रेस्तरा संचालक को टैक्स चोरी के मामले में 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारमी के एक आभूषण विक्रेता पर भी विभागीय टीम ने शिकंजा कसते हुए भारी जुर्माना किया। चंबा पुलिस का कमाल, बिना नंबर प्लेट वाली बाइक ऊपर से ट्रिपले। किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम पुलिस का होता है, परंतु अगर खुद कानून के रखवाले ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाने लग जाएं तो क्या होगा। ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के तहत आते चंबा तीसा मार्ग पर स्थित बालू का है, जहां पुलिसकर्मी एक बाइक पर बिना हेलमेट के ट्रिपलिंग करते हुए पाए गए हैं, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने खाकी वर्दी पहनी हुई थी। इसके चलते ना तो किसी पुलिसकर्मी ने उन्हें रोका, ना ही उनका कोई चलान हुआ। स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला, अप्रैल महीने में शुरू होंगी 3 बड़ी योजनाएं, अस्पतालों को मिलेंगी नई एम्बुलेंस। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने उन अस्पतालों में अतिरिक्त एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है जिन अस्पतालों में बेड की क्षमता 200 से अधिक है। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में 50 और नई एम्बुलेंस जोड़ने जा रही है। प्रदेश सरकार अप्रैल महीने में 3 बड़ी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें टांडा में डायलिसिस मशीनें, मरीजों के निशुल्क 233 टेस्ट और अब इन दोनों योजनाओं के साथ एम्बुलेंस सुविधा को भी जोड़ा जाएगा। HPPERC का फैसला, जांच में सहयोग ना करने वाले 8 निजी नर्सिंग संस्थानों पर चलेगा केस। हिमाचल प्रदेश के निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने उन 8 नर्सिंग सिस्टम संस्थानों पर केस चलाने का फैसला किया है जिन निजी शिक्षण संस्थानों ने आवश्यक जानकारियां नहीं दी हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन संस्थानों में व्यापक गड़बड़ियों की जाँच में आयोग को सहयोग नहीं दिया है। आयोग इन संस्थानों को समन जारी करवाएगा। आयोग की अदालत में इनके खिलाफ केस चलेगा। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर शहर की 8 साल की काशवी 8वीं कक्षा की परीक्षा देंगी। पालमपुर के लोहना बाड़ में हिमुंडा कॉलोनी में रहने वाली 8 साल की काशवी ने अपनी विलक्षण प्रतिभा के चलते 8वीं कक्षा की परीक्षा देने की मांग सरकार व शिक्षा बोर्ड से की थी। वह काशवी के पिता की याचिका पर हाई कोर्ट ने अस्थायी तौर पर 8वीं कक्षा में पढ़ने की अनुमति का आदेश दिया है। करीब 1.5 साल से कोविड-19 के कारण स्कूल में नियमित पढ़ाई नहीं होने का लाभ लेते हुए काशवी ने 2-2 महीनों में 4th से 7th कक्षा की पढ़ाई पूरी की। वो 8th कक्षा की परीक्षा की तैयारी कर रही है। इन्वेस्ट टू एंड ऑफ टीबी, सेव लाइफ की थीम के साथ विश्व टीबी दिवस पर नर्सिंग कॉलेज ने रिज पर लोगों को किया जागरूक। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर अकाल नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के द्वारा आज ऐतिहासिक रिज मैदान पर लोगों को टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक किया, नाटक के माध्यम से व पोस्टर के माध्यम से संदेश दिया। इन कार्यक्रम में छात्रों द्वारा पोस्टर, स्लोगन और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को टीबी की बीमारी के लक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। भाजपा ने चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कार्य योजना बैठकों का दौर जारी। सबसे पहले हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी बीते दिनों आयोजन किया गया था। तत्पश्चात बीते कल मंडी लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक के बाद आज शिमला के पीटर हॉफ में शिमला लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बैठक का आयोजन आज किया गया। प्रदेश में बदलाव के लिए आंदोलन की तैयारी, HRA। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार कर्ज के बोझ तले डूब रही है और मुख्यमंत्री भी हमेशा कर्ज का रोना रोते रहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कभी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि हिमाचल सरकार ने दूसरे राज्यों से कितना पैसा लेना है। उन्होंने कहा कि अकेले BBMB से हिमाचल सरकार ने करीब 15,000 करोड़ रुपये लेने हैं, जिसे लेने में हिमाचल नाकाम है। हिमाचल रीजनल अलायंस ने मांग की है कि मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी कर इस बारे अपना स्पष्टीकरण दें। कांग्रेस में चल रही विरासत की सियासत, राजनीतिक रूप से किया जा रहा प्रताड़ित, मुनीष ठाकुर।
बुधवार को कांग्रेस के पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मिनीष ठाकुर अपने साथियों के साथ शिमला पाठ आम आदमी पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने उन्हें उनका स्वागत किया। इस दौरान मिनीष ठाकुर ने अपने कांग्रेस के आला नेताओं पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेसी नेताओं की तानाशाही से परेशान होकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने की बात कही। मनीष ठाकुर ने कहा कि वह 20 सालों से कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में आम परिवार के लोगों को आगे आने से रोका जाता रहा है, प्रताड़ित किया जाता रहा है। डॉक्टर सिकंदर कुमार बने राज्यसभा सांसद। हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट की चुनाव प्रक्रिया आज विधानसभा में समाप्त हुई। डॉक्टर सिकंदर कुमार आज निर्विरोध राज्यसभा पहुंचे। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चुनाव में कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मंत्री सुरेश भारद्वाज, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्बाल विशेष रूप से उपस्थित रहे।